नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अर्चना कुकिंग विद चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं पहला वीडियो डालने जा रही हूँ, इसलिए मैं कुछ मीठे से वो करेंगे शुरुआत। तो मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। तो ये है गाजर और ये है उसकी ओ, ये है चीनी, ये है काजू, ये है बादाम, ये है किशमिश, ये है खोया, ये है घी। यह घी भूनने के लिए कितना ही डालेंगे और बाकी कुछ नहीं डालेंगे। तो पहले हम जा रहे हैं गाजर किसने, तो किसके लेंगे दोस्तों गाजर, तो हम ऐसे किसेंगे इसको, ऐसे गाजर किसेंगे। बहुत अच्छे से किसती है और ये गाजर हमने अपनी मम्मा से सीखा था, अब वो हमारी मम्मा नहीं रही, इसलिए हम गाजर का हलवा, मुझे बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी बहुत फेवरेट है गाजर का हलवा, इसलिए हम गाजर का हलवा बनाने जा रहे हैं। इसलिए प्लीज आपको भी, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगा, इसलिए प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और बेल बजाइएगा कि जिन्हें हमारी उम्मीदों में नहीं आए कि कम से कम हमारे दोस्तों को पसंद आ रहा है। और कमेंट जरूर करिएगा, तो हमें बताइएगा कि कैसे बन रहा है, अच्छा बना या मेरी मम्मा से अच्छा नहीं बनता था। वैसे हमारी मम्मा के जितना अच्छा मेरे से तो नहीं बनता है, पर कोशिश करने की करती हूँ कि अच्छा बने। इसलिए दोस्तों मैं थोड़ा सा ही गाजर किसूंगी, क्योंकि मैंने पहले से तैयारी करके रखी है, इसलिए मैं गाजर किसके रखी है, इसलिए हम आप सिर्फ आपको दिखाने के लिए गाजर किस रही हूँ। ऐसे गाजर को किस लेंगे और ये गाजर हम साइड कर देंगे और हम ये वाली गाजर जो हमने पहले से ले रखी थी, तो ये गाजर हम इसमें डाल लेंगे और इससे हम हलवा बनाएंगे। तो अब हम इसमें डाल देते हैं, एक किलो गाजर का है ये किसा हुआ है मैंने, तो मैंने पहले ही से किसके रखा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं डालना चाह रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं इतना अच्छा नहीं बनाती हूँ तो लोग हंसेंगे, कहेंगे क्या बना रही है और समझ नहीं आता है, पर मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि मम्मा आप बहुत अच्छा हलवा बनाते हैं, आप क्या नानी नहीं है तो क्या आप उनका हलवा भी भूल जाएंगी, इसलिए आप प्लीज मम्मा आप हलवा जरूर बनाएं, आप बहुत टेस्टी लगता है, तो आप चैनल में डालें, आपका वीडियो सब कोई बहुत पसंद करेगा और बहुत अच्छा करेगा, इसलिए प्लीज प्लीज। हम इस कढ़ाई, इसको गैस को जला लेते हैं। अब मैं कढ़ाई को रखती हूँ, अब मैं इसमें ज्यादा घी नहीं डालेंगे क्योंकि मेरा खुद का बनाया घी है, इसलिए थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं थोड़ा ही डालेंगे, दो चम्मच, वैसे आप दो चम्मच डाल सकते हैं पर मैं इसको थोड़ा ही सा डालेंगे। अब बहुत अच्छा बनता है, पर इतने में भी बहुत अच्छा भूनता है, बहुत अच्छा बनता है दोस्तों, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी एक बार बना के देखें। इसको मैं साइड करती हूँ प्लीज। अब मैं इसको अच्छे से, मैं इन काजुओं को थोड़ा सा रोस्ट करूंगी, मेरा घी गरम होने जा रहा है, तो अभी मैं थोड़ा सा एक प्लेट निकाल लेती हूँ। इसलिए दोस्तों हमारा घी गरम हो गया है, अब इसमें हम काजू रोस्ट करेंगे, थोड़ा सा हम काजू डाल रहे हैं, इसको रोस्ट करेंगे, रोस्ट हो जाएगा तो फिर हम इसको थोड़ा सा अच्छे ब्राउन होने तक भूनेंगे, फिर इसके बाद में हम इनको निकाल लेंगे। अभी भून रहा है, आराम से हल्का सा इसको गरम होने देते हैं, ये अच्छा भुन जाएगा, फिर हम इसमें बादाम डालेंगे, उनको भी रोस्ट करेंगे दोस्तों, हमारा भी थोड़ा सा हल्का ब्राउन हो रहे हैं,
ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे हम, क्योंकि गाजर के हलवा में भी थोड़ा सा पकेंगे, हल्का सा इनमें कलर आ गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें हल्का सा देखो कलर आ गया है, बहुत प्यारा सा कलर आया है, इसलिए हम रोस्ट करेंगे। हम ज्यादा बादाम नहीं डालेंगे क्योंकि मेरे बेटा है उसको ज्यादा बादाम नहीं आते, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता ज्यादा बादाम, इसलिए आप ज्यादा भी ले सकते हैं कम, ये अपने उसके हिसाब से है, ये जल्दी हो जाते हैं रोस्ट, इसलिए दोस्तों इन्हें ज्यादा रोस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा रोस्ट करना है। इसको हम टिश्यू पेपर में नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें घी आ गया है, तो इसमें जो घी आता है तो इस घी को हम जब इसमें डालेंगे तो ये जो घी है वो गाजर के हलवा में ही घी चला जाएगा। अब हम किशमिश थोड़ा सा रोस्ट करेंगे दोस्तों, इनको रोस्ट हो चुकी है, ये बढ़िया इनमें खुशबू आ रही है, बहुत मुझे बहुत खुशबू इसकी बहुत पसंद है दोस्तों। अब हम इसमें गाजर डाल देते हैं, हम इस गाजर को डाल देंगे, बहुत सा प्यारा सा इसमें इसको भूनेंगे, बहुत प्यारे से भूनेंगे, अच्छा इसको भूंज देंगे, बहुत अच्छा आएगा दोस्तों। इसको दोस्तों हम हटा देंगे और इस चम्मच को भी हम फ्राई कर देंगे दोस्तों। हम इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे, हम इसको ढकेंगे दोस्तों बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर ढक देते तो इसमें अलग कलर आ जाता है, थोड़ा सा हल्का सा पीला सा कलर आता है, इसलिए वो ज्यादा अच्छा नहीं लगता। हम ऐसे ही पकाएंगे, इसमें बढ़िया रेड रेड का अच्छा बढ़िया बादामी कलर अच्छा आएगा, बहुत मस्त लगता है दोस्तों, बहुत प्यारा सा लगेगा। प्लीज 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 आप एक बार बना के जरूर खाइएगा और हमें बताइएगा कैसा लगा, कैसा बना, कितना अच्छा ये पक रहा है, अच्छा भून जाएगा। इसके बाद में जब अच्छा इसका कलर आ जाएगा, अच्छा पक जाएगा, ये इसको पानी जो छोड़ रहा है ना, ये पानी सब सूख जाएगा, भूनते भूनते इसमें खुशबू आने लगेगी, इसलिए दोस्तों हम इसमें फिर डालेंगे चीनी, फिर चीनी डालेंगे दोस्तों, फिर इसके बाद में हम ये किशमिश से बादाम डालेंगे, फिर इसके बाद में हम खोया डालेंगे, और दोस्तों थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी आप प्लीज डाल दीजिएगा, और केसर तो बहुत टेस्टी होती है, अगर केसर डाल दो तो इसका दोगुना स्वाद बढ़ जाता है, लेकिन हम दोस्तों केसर नहीं डाल रहे, क्यों नहीं डाल रहे, हमारा खत्म हो गया है तो हम नहीं मार्केट नहीं जा पाएंगे तो हम नहीं डाल रहे, पर आप दोस्तों डाल सकते हैं, हम चाकू से जब तक इसको काट लेते हैं दोस्तों, ये बहुत अच्छे से कटता है, जल्दी से कटता है, अपना ध्यान रखें क्योंकि इसमें उंगली कट जाती है, इसलिए प्लीज अपना उंगली का ध्यान रखें और बाकी इसको काट लें, या फिर आप इसको आप किसी बेलन वेलन से ऐसे कर सकते हैं, इसको ये बहुत जल्दी इससे ऐसे हो जाते हैं, तोड़ लेना चाहिए हमें ऐसे, और बस इस चम्मच को हम हटा देते हैं, इसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, नहीं कट पा रहा है, इसलिए ऐसे हम इसको तोड़ लेंगे। यहाँ पे हम इसका भी ध्यान रखेंगे, गाजर के हलवा का ध्यान रखेंगे, इसको भी चलाते रहेंगे, ये एक जगह में थोड़ा सा चिपकने लगता है, इसलिए हम बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे और हम इसको तोड़ते रहेंगे काजुओं को, तो बहुत प्यारे से टूट जाते हैं और बहुत प्यारे देखने में फिर लगते हैं, जैसे प्लीज आप भी तोड़िएगा और बहुत अच्छा स्वाद आता है इनका। ये
काट लिया है और हम इस चाकू को भी साफ कर लेते हैं, तो इसको भी साफ कर देते हैं क्योंकि मुझे सफाई बहुत पसंद है। अगर थोड़ा सा भी कुछ गिर जाए तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए हम इसको साफ बीच बीच में साफ भी करते जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये सारा कट गया है, इसको हमने सारा तोड़ लिया है ऐसे। अब हम इसको डाल देंगे, अभी नहीं डालेंगे, थोड़ी देर में डालेंगे। इसको अभी हम साइड रख देते हैं दोस्तों, इसको हम चलाएंगे अभी, इसको देखते रहेंगे कैसा बन रहा है। इसमें खुशबू तो बहुत प्यारी आने लगी है दोस्तों अभी से, और अभी ये कच्चा हुआ कच्चा है, अभी अच्छे से भुना नहीं है, ये अच्छा भुन जाएगा। इसमें अभी पीला पीला टाइप का दिख रहा है, बहुत इसमें कलर अच्छा आएगा। ये दोस्तों अच्छा भुन गया है, बहुत अच्छी खुशबू इसमें देखो आने लगी है दोस्तों। अब मैं इसमें चीनी डाल देती हूँ, इतना हम पूरा चीनी डाल देंगे, थोड़ा सा मीठा ज्यादा अच्छा लगता है दोस्तों। इसको हम अब मिक्स कर देते हैं, इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे और फिर इसको थोड़ी देर कम से कम 10 मिनट तक हम पकाएंगे। 10 मिनट के बाद फिर हम इसको जब ये अच्छा भुन जाएगा, अच्छा चल जाएगा, अच्छा ये चीनी भी घुल जाएगी, इसमें मिक्स हो जाएगी, तो हम फिर इसमें काजू डालेंगे, फिर हम इसमें खोया डालेंगे। और दोस्तों हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में हमें बताएं अच्छा बना या नहीं, हमें आपका इंतजार रहेगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप प्लीज बताना जरूर कि हम कैसा बना रहे हैं। अगर आप अच्छा बताएंगे, मतलब आप ये बताएंगे कैसा बना है, तो हम और भी वीडियो बना के डाल सकेंगे। गाजर का जूस भी बहुत मस्त बनाते हैं, 2 मिनट में ही जूस बन जाता है, काटा छीला और उसमें डाला मिक्सर जूस में, बन जाता है तुरंत। तो हम अगला वीडियो डालेंगे वो हम जूस का डालेंगे, हमारा कोशिश रहेगा कि हम आपको जूस बनाने सिखाएं, और कोशिश करें कि अच्छा बनाएं। और तीसरा वीडियो गाजर का ही बनाएंगे, गाजर का अचार। ये दोस्तों बहुत अच्छा सा पक रहा है, अभी तक ये पकता है, जब तक हम कुछ काम कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम शाम होने जा रही है, हमारे बच्चे का ट्यूशन आने वाला है, ट्यूशन वाला, तो मैं उसके लिए एक तरफ चाय बनाने जा रही हूँ, थोड़ा सा चाय उसके लिए तैयारी करूंगी टीचर के लिए, इसलिए ये दोस्तों बहुत प्यारा बन रहा है, देखिए आप कितना मस्त लग रहा है। गया है देखो, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें दोस्तों। अब मैं इसमें काजू किशमिश डाल देती हूँ, इसमें हम काजू किशमिश डाल देते हैं, चम्मच ले लेते हैं, हाथ नहीं हो जाएंगे, हम इसमें हमने ये डाल दिया है काजू किशमिश। अब हम इसको एक साइड कर देते हैं, अब हम इसको पहले मिक्स करेंगे, काजुओं को मिक्स कर देंगे बहुत अच्छे से। देखो दोस्तों कैसे दिख रहा है। अब हम इसमें मेवा डाल देते हैं, इसको थोड़ा सा हम ऐसे ऐसे करेंगे क्योंकि ये ठंडी पड़ने लगी है, तो थोड़ा सा
टाइट टाइट का हो गया है, ये हम इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे। अब इसको हम सारा डाल देंगे, इसको हम फ्राई कर देंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे, हमने इसको डाल दिया है, मिक्स करने लगे हैं। अब दोस्तों आप देख के बताइएगा कैसे बना ये। दोस्तों हमारी बेटी को भी बहुत पसंद है, हमारे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है और हमारे बेटे को भी बहुत पसंद है। हम चार लोग इस घर में रहते हैं, हमारी एक बेटी है, एक बेटा है और हम हमारे हस्बैंड। तो हम थोड़ा ऐसा बनाए हैं। हमारी बेटी बोल रही है मम्मा मैं स्कूल थोड़ा सा लेके जाऊंगी कल के लिए, तो ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। इसको आप 2 दिन से 3 दिन तक बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप फ्रिज में रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं आप इसको। तो हम थोड़ा थोड़ा खाएंगे भी और हम अपनी बेटी के लिए स्कूल के लिए फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के बाद। तो ये स्कूल उसके दोस्तों को अपने दोस्तों को ले जाएगी, खुद भी खा लेगी लंच में और दोस्तों को भी खिलाएगी। तो ये दोस्तों बन गया है। अब हम गैस को करते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे से पक गया है दोस्तों, बहुत अच्छा है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है दोस्तों। दोस्तों इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो मुझे भी लग रहा है दोस्तों आप सबसे पहले आपके लिए है दोस्तों। अब मैं इस गैस को ऑफ कर देती हूँ और मैं कटोरियों में रख देती हूँ। ये मेरे बेटे की है, ये मेरी बेटी की है जो मुझे बहुत पसंद है। अपनी बेटी मेरी बेटी नहीं है, मेरी फ्रेंड है और बहुत अच्छी है मेरी बेटी, बहुत पढ़ने में उसका मन लगता है और बहुत प्यारी बेटी है मेरी। वो हमारा हर चीज में मेरा वो बढ़ाती है, कहती है मम्मा आप बहुत अच्छा ये करते हैं। एक गिरिया है तो मैं इसको हटा देती हूँ। और दोस्तों हम इसको इसमें डाल देते हैं। दोस्तों हमने लगा दिया, पहले श्री गणेश जी का तो भोग लगाती हूँ। अब आप लोगों को प्लीज शेयर करिएगा, पीजिए खाइएगा, प्लीज आप चख के जरा बताइएगा कैसा लगा।